बारिश का सीज़न चल रहा है और इस समय शाम के टाइम चाय के साथ कुछ पकोड़े तीखा या फिर कुछ चटपटा सा खाने को मिले तो ज़्यादा मज़ा आता है। जनरली लोग समोसे, मूंग बड़े या फिर दाल बड़े और पकोड़े बना के खाते हैं, लेकिन आज हम एक अलग डिश ट्राई करेंगे जो कि होगी मटन कीमा कबाब। चलिए देखते हैं किस तरह बनती है ये डिश। झटपट से बनने वाली इस डिश के लिए हमने लिया 500 ग्राम्स मटन कीमा, जो कि आप अपने बुचर से या दुकान वाले से बोलकर थोड़ा ज़्यादा महीन करा लें। ये नॉर्मल कीमा से बहुत बारीक होता है। चलिए अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। ड्राई स्पाइसेस के लिए हम लेंगे सबसे पहले सॉल्ट टू टेस्ट, मतलब स्वाद अनुसार नमक, करीब आधी चम्मच। इसके बाद डालेंगे हम आधा चम्मच गर्म मसाला और आधा चम्मच हल्दी, फिर एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर या फिर कुटी हुई काली मिर्च, साबुत जीरा और जीरा, अजवाइन और खड़ा धनिया का आधा आधा चम्मच लेके उसे अच्छी तरीके से दरदरा कूट लें और उसमें डाल दें। आप चाहें तो एक चुटकी काला नमक भी डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट एक बड़ा चम्मच, पपीते का पेस्ट एक चम्मच छोटा वाला जो कि गलावट का काम करेगा, और अनियन पेस्ट करीब डेढ़ चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज, बारीक काटें उसे, दो से चार या पांच जितनी भी आपको हरी मिर्ची डालना है आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार, दो बड़े चम्मच बेसन के। फिर डालेंगे इसमें हम 10 से 15 पत्ते काटे हुए पुदीना के यानी मिंट, और उसके बाद हम डालेंगे रफली चॉप्ड कोरिएंडर मतलब धनिया, और अब हम इसमें डालेंगे एक नींबू का पूरा रस और दो चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे हम रख देंगे 30 से 45 मिनट के लिए फ्रिज में, क्योंकि इसमें हमने डाला है पपीता जो कि गलावट का काम करेगा, तो उसे एक्टिवेट होने के लिए हमें समय देना है उसके लिए, तो आधा घंटा भी सफिशियंट है, लेकिन आप अगर 45 मिनट रखेंगे तो स्वाद और निखर के आएगा। करीब 40 मिनट बाद हम इसे फ्रिज से निकाल के अब इसकी हम पैटी बनाएंगे। छोटी साइज़ की पैटी अच्छी होती है और स्टेबल भी होती है, तो छोटा पैटी बनाएं और ज़्यादा मोटी भी ना रखें। अब एक कास्ट आयरन का पैन लें या फिर एक नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं, और उसके गर्म होते ही आप उस पर तेल डाल दें, और तेल गर्म होते ही 5 से 7 पैटी आप फ्राई कर सकते हैं एक साथ, वो आपके पैन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, लेकिन हम फ्राई करेंगे धीमी आँच पर, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 से 5 मिनट एक साइड आप फ्राई करें, और ध्यान रखें कि नीचे क्रस्ट परफेक्ट बनना चाहिए, एक गोल्डन क्रस्ट बनना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि क्रस्ट बना है कि नहीं, अगर क्रस्ट बन चुका है तो इसमें हम सबको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी पक जाए, और दूसरी साइड से भी हमें 3 से 5 मिनट ही पकाना है। अब दोनों तरफ से हमारी पैटी पक चुकी है, मतलब हमारे कबाब अब तैयार हैं। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग और उसके बाद फिर टेस्टिंग। चलिए अब टाइम हो गया टेस्टिंग का, तो ये रही हमारी डिश। और ये रहा हमारा कबाब, क्योंकि दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से पका हुआ है, बढ़िया से सिखा है, तो उसको हम तोड़ के देखते हैं इसके अंदर से फिलिंग कैसे पका है। तो देखिए परफेक्टली पका हुआ है अंदर से, चलिए टेस्ट करते हैं इसको। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर पुदीना की चटनी जो होती है उसके साथ भी कर सकते हैं। मैं टोमेटो सॉस का करूँ, एकदम मुँह में घुल जाने वाला स्वाद, बेहतरीन तरीके से पका हुआ है, टेस्ट थोड़ा और बेहतर कर सकते थे हम इसमें चाट मसाला डाल के, लेकिन बिना चाट मसाला के लिए भी के बिना भी ये अच्छा ही लगता। आपको भी घर में ट्राई करना चाहिए डिश, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर बने रहें इसी तरह के टेस्टी डिशेज़ के लिए।